क्या क्या दिक्कतें हैं आपकी? आंगनबाड़ी टूट गया है, आंगनबाड़ी नहीं है हम लोगों का। तो मछली जी फॉर ग्रेप, ग्रेप्स मीन अंगूर। कहाँ पढ़ाती हैं? मैं अनिल भैया के घर में किराया लेकर पढ़ा रही हूँ। 2010 में लगा था हम लोगों का। जामुन देखो काली काली लगी हुई है डाली। ग्राम पंचायत झरना, जहाँ की आबादी 2500 से ऊपर है। झरना पंचायत में 5 आंगनबाड़ी केंद्र हैं और इन 5 आंगनबाड़ी में सिर्फ एक ही आंगनबाड़ी भवन है। बाकी के 4 आंगनबाड़ी भवन न होने की वजह से 2010 से लगातार किसी के बरामदे पर, किसी के घर पर आंगनबाड़ी संचालित हो रही है, जिससे अनेक प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही है। तो भवन के बारे में कहीं पे आपने चर्चा किया है पंचायत में? हाँ, पंचायत में बताई थी। पंचायत वाले लोग बोले कि बनाएंगे तो बोले हैं। तो कहीं अधिकारियों के पास आपके परियोजना आवेदन दिए थे तो क्या हुआ? तो उन लोग बोले कि अभी पंचायत वाले लोग आवेदन देंगे तभी तो बन पाएगा करके बताए। लगभग 200 से अधिक बच्चे आंगनबाड़ी में नामांकित हैं। 100 से ऊपर बच्चे किशोरी बालिकाएं हैं और 0 से 3 वर्ष वाले 50 से 60 बच्चे नामांकित हैं, जिनको बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। बच्चे को पढ़ाने में बहुत दिक्कत होती है। किस प्रकार का? बैठने में परेशानी होती है, खेलने कूदने में परेशानी होती है, मेरे को खाना बनाने में भी परेशानी होती है। पढ़ाने में दिक्कत आती है। तो अभी आप कहाँ पढ़ाते हैं? अभी प्राइमरी स्कूल में। हाँ, कैसे? प्राइमरी स्कूल खाली था, इसलिए प्राइमरी स्कूल में लगा रहे हैं। तो आपने बताया कि 2007 में भवन टूटा, तो इस बीच में आप कहाँ पढ़ाते थे? किराए में पढ़ा रहे थे। कहाँ पे? किसी के पर्ची में। हाँ, फिर आंगनबाड़ी बना देंगे तो बहुत अच्छा होगा, बच्चे लोगों के लिए भी फायदा होगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। फिर पानी का भी तो व्यवस्था होगा, शौचालय का भी होगा। बच्चों के विकास के लिए, पोषण आहार के लिए स्वस्थ जगह होना अति आवश्यक है और आंगनबाड़ी में इच्छा और उच्च गुणवत्ता के भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। वीडियो देखने वाले समस्त दर्शकों और श्रोताओं से मैं ये अनुरोध करूंगा कि वर्तमान जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्रीमती अनीता अग्रवाल को 9525231058 पर फ़ोन करें और इस आंगनबाड़ी संबंधी समस्या के लिए अवगत कराएं, ताकि झरना में आंगनबाड़ी भवन बन सके। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से इंडिया अनहर्ड के लिए।